हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू। दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर टू? सेम है फर्स्ट के जैसा ही। क्या बोल रहा है? द कोच ऑफ A cricket team by 3 bats and 6 balls. So let 1 bat equals to x rupees. Okay. 1 ball equals to y rupees. So ab kya bol rahe? 3 bats, 3 into x plus 6 balls, 6 into y. Kitne rupees mein mili? 3900 rupees mein. ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन हमारा। ओके okay? तो इसके लिए जल्दी से प्लॉटिंग भी कर लें क्या? यहीं पे प्लॉट कर लेते हैं तुरंत ही। ओके okay? दो दो ही इक्वेशंस लेंगे, दो दो ही पॉइंट्स लेंगे, एक्स वाई। अगर मैं वाई की जगह पे जीरो रख दूं, वाई की वैल्यू पे मैंने जीरो रख दिया, ओके okay? तो मेरे को एक्स कितना मिलेगा? एक्स इधर और थ्री से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा मेरे को? 1300 मिल जाएगा। ओके okay? अगर मैं x की जगह पे 0 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा? 3900 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। y इक्वल्स टू 6 1 6 6 36 6 5 30 कितना मिल गया? ये 650 मिल गया। आई होप इतना क्लियर होगा कि हमने पॉइंट्स कैसे लिए हैं। ओके okay? तो ठीक है, आगे देखते हैं इक्वेशन नंबर टू क्या बोल रहा है। इक्वेशन नंबर टू बोल रहा है, लेटर शी बाइज अनदर बैट, अनदर बैट मतलब एक्स बैट, वन बैट एंड टू मोर बॉल्स, दैट मींस टू वाई एट रुपीज 1300। सेम काइंड के, ओके, सेम काइंड ऑफ, सेम वाई लिए हैं। तो अब ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, ये भी प्लॉट कर लिया जाए। प्लॉट कर लिया हमने, ओके okay? तो अब देखते हैं ये क्या हो रहा है। एक्स वाई, ओके, अगर अब मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखूं तो वाई मेरे को कितना मिलेगा? 2y इक्वल्स टू 1300, दैट इज y इक्वल्स टू 650। ओके, y कितना मिल जाएगा मेरे को? 650 मिल जाएगा। और अगर मैं y इक्वल्स टू जीरो रख दूं तो x मेरे को कितना मिल जाएगा? 1300। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करूं अब, तो वो सेम ही है, इधर 0650, इधर भी 0650, 1300 1300। मे बी ये क्या हो सकता है? हमारा कोइंसिडेंट लाइन हो सकता है। ओके okay? तो एक काम करते हैं, प्लॉट करते हैं हम फर्स्ट वाले के लिए। 0 1300 एंड 0 1300 मतलब आएगा यहाँ पे, दिस इज 1200 1300 1400, तो दिस इज 1300 एंड 0। Now this 650 and 0, 0 and 650, no? So this is 0, so 0 and 650, this is 600, this is 700. So yahan pe aega 0 and 650. So line draw kar lenge yahan pe, okay? Purple color mein. Now, second point also. Same hai second point bhi. Ye ho gaya hamara first. ओके okay, अब अगर मैं लूँ सेकेंड पॉइंट के लिए, सेकेंड पॉइंट भी वही है, सेम है, 0 एंड 650, वाई में ही 650 आ रहा है और यहीं पे आ रहा है 1300 0। तो अगर मैं इसको भी लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्या होता है देखें ज़रा। अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ सॉरी वो थोड़ा सा गलत हो रहा था अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो ये क्या हुआ? उसी के ऊपर आया, मतलब मैनी लाइन्स आए, और ये क्या हो रहा है? उसी के ऊपर है। तो हमने क्या पढ़ा था? तीन लाइन में से ये कौन सा लाइन है? ये कौन सा लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन। ओके, दिस इज द ग्राफिकल प्लॉट। और इसके लिए इक्वेशन क्या था? 3x + 6y = 3900। और इस लाइन के लिए इक्वेशन क्या है? x + 2y = 1300। क्लियर?
स्टूडेंट सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जांपल में भी हैं, आप ट्राई ज़रूर करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा। गाइज अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी। एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।